कांग्रेस के पूर्व नेता बाबा सिद्दीकी के बेटे जुशान सिद्दीकी के खिलाफ पार्टी ने एक्शन लिया। उन्हें मुंबई यूथ कांग्रेस के अध्यक्ष पद से हटा दिया गया। बाबा सिद्दीकी इसी महीने कांग्रेस छोड़कर एनसीपी में शामिल हुए। जुशान की जगह अखिलेश यादव को मुंबई यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। जुशान सिद्दीकी बांद्रा से विधायक है। उन्होंने पिता के पाला बदलने से पहले अजीत पवार और अन्य नेताओं से मुलाकात की थी। बाबा सिद्दीकी का उप मुख्यमंत्री अजीत पवार और पार्टी के कार्यकारी अध्यक्ष प्रफुल्ल पटेल और राज्य इकाई के अध्यक्ष सुनील तटकरे सहित शीर्ष एनसीपी नेताओं ने पार्टी में स्वागत किया था। बाबा सिद्दीकी ने फरवरी के पहले हफ्ते में कांग्रेस छोड़ दी थी। उन्होंने अपने राजनीतिक करियर में दिवंगत कांग्रेस सांसद सुनील दत्त की भूमिका को स्वीकार किया। बाबा सिद्दीकी ने कहा कि उन्होंने एनसीपी में शामिल होने से पहले अपने विधायक बेटे जुशान सिद्दीकी और पूर्व कांग्रेस सांसद प्रिया दत्त से सलाह ली थी। मुंबई कांग्रेस के एक प्रमुख मुस्लिम चेहरे रहे बाबा सिद्दीकी ने मंत्री के रूप में भी काम किया था, जब कांग्रेस एनसीपी गठबंधन महाराष्ट्र में सत्ता में थी। अजीत पवार के नेतृत्व वाली एनसीपी शिवसेना के नेतृत्व सरकार का एक घटक है, जिसमें बीजेपी भी शामिल है।